Good morning students, today we are going to continue our 11th part of chapter 1 which is constitutional amendment and its basic philosophy. Students, before I start this chapter or explanation, I want to give you a good news. Actually, due to this pandemic period, CBSE has deducted your syllabi. अब कहाँ क्या डिडक्शन हुआ है, कितने चैप्टर्स आपके कट हुए हैं, उसको एक बार मैं आपको सीबीएसई की साइट पर चल के ही एक बार पीडीएफ में आपको ऑब्जर्व करवाना चाहूँगी. सो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि पॉलिटिकल साइंस का रिवाइज्ड सिलेबस है. पहले कितने चैप्टर थे, इन सब के बारे में मैं आपको बताऊँ. बिफोर दैट, आप यहाँ पर देखेंगे कि हम इस चैप्टर को ऑलमोस्ट कम्प्लीट करने में हैं. हम लोगों ने अंडरस्टैंडिंग, आइडेंटिफाई, फीचर्स वगैरह देख लिए और इसके अलावा दूसरे पॉइंट्स भी हम लोगों ने देखे हैं जो कि मैं लेटर ऑन आपको एक्सप्लेन करूँगी. ये स्टूडेंट्स, यहाँ हम लोग देखेंगे फिलॉसफी ऑफ मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ये हम लोग अब पढ़ेंगे. फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज, DPSP, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये चीज़ें हम पढ़ चुके हैं. मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी हम लोगों ने पढ़ लिया. बस एक ये वाला अपना टॉपिक बाकी रह गया है, द फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. रेस्ट ऑफ टॉपिक्स जो हैं वो हम इस चैप्टर के कवर कर चुके हैं. एज यू कैन सी हियर, 30 पीरियड CBSE ने इसके लिए एलोकेट किए हैं. अब स्टूडेंट्स, आपके चैप्टर्स डिडक्ट होके हो गए हैं, टोटल 6 चैप्टर्स इन पेपर ए कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क. और सेकेंड चैप्टर में भी आपके, सेकेंड बुक में भी आपके 6 चैप्टर्स ही हैं जो कि पहले ज़्यादा थे. ठीक है, तो अभी तक हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं ये आपका फर्स्ट चैप्टर जो डिडक्ट नहीं हुआ है. 13 मार्क्स का आपका ये पेपर रहेगा. सो लेट अस स्टार्ट. स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सिंपल मेजॉरिटी और स्पेशल मेजॉरिटी, सिंपल एंड स्पेशल दोनों मेजॉरिटीज़ के बारे में पढ़ा था और कहाँ क्या रिक्वायरमेंट्स रहती हैं उनके बारे में देखा था. जो थर्ड टाइप ऑफ अमेंडमेंट प्रोसेस है, दैट इज़ स्पेशल मेजॉरिटी प्लस लेजिस्लेचर्स ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट. मतलब कि सिंपल मेजॉरिटी से जब कोई बिल पास हो जाता है तो वो प्रेसिडेंट के पास नहीं जाकर वो किसको भेजा जाता है, वो बिल फिर भेजा जाता है हमारी स्टेट्स के पास. इसको आप यूँ समझें, एक ब्लैंक स्लाइड पे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी. ये स्टूडेंट्स, स्पेशल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी की फर्स्ट कंडीशन, प्रेजेंस कितनी की चाहिए, हाफ ऑफ द हाउस, ये तो प्रेजेंट रहना चाहिए, पी रहना चाहिए. सेकंड कंडीशन क्या थी स्पेशल मेजॉरिटी की, जो हाफ ऑफ द हाउस प्रेजेंट है इसका 2/3 वोट करे, ये स्पेशल मेजॉरिटी की कंडीशंस रहती हैं, है ना. जब लोकसभा और राज्यसभा, अगर लोकसभा में टेबल हुआ है तो वो कहाँ जाएगा, राज्यसभा में, और राज्यसभा में टेबल हुआ है तो वो लोकसभा में जाएगा. जब बोथ हाउसेस से, फ्रॉम द बोथ हाउसेस, दोनों हाउसेस से जब स्पेशल मेजॉरिटी के फर्स्ट क्लास, फर्स्ट कंडीशन एंड सेकंड कंडीशन दोनों फुलफिल हो जाती हैं, तो दोनों हाउसेस से फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन फुलफिल हो गई हैं, तो उसके बाद ये जो बिल होता है ना, जो प्रपोज किया है, जिसका हम लोगों ने एग्जांपल लिया था ड्राइविंग एज वाला, ठीक है, तो वो बिल फिर कहाँ ले जाया जाएगा, वो बिल फिर भेजा जाएगा स्टेट्स में. जितने भी इंडिया में स्टेट्स हैं ना, उन सब स्टेट्स में वो बिल भेजा जाएगा. और स्टेट्स की रिक्वायरमेंट कितनी रहेगी, ठीक है, ऐसा नहीं है कि सबके सब स्टेट्स जब उसको एक्सेप्टेंस देंगे तभी वो इम्प्लीमेंट होगा या फिर तभी वो पास माना जाएगा, ऐसा नहीं है. स्टेट्स की ओर से हमको रिक्वायरमेंट होती है हाफ ऑफ द टोटल स्टेट्स, ठीक है, हाफ ऑफ द टोटल स्टेट्स. मतलब टोटल ही जितने भी स्टेट्स हैं उनके हाफ, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग 28 स्टेट्स हैं अगर, ठीक है, तो 28 का हाफ कितना होगा, 28 का हाफ होगा 14. मतलब 14 स्टेट्स जब इस बिल को परमिट कर देंगे, अप्रूव कर देंगे, तो वो बिल माना जाएगा पास, है ना. अब ये बिल पास होके वापस कहाँ जाएगा, अब ये बिल पास होके जाएगा प्रेसिडेंट के पास. तो पूरी एक चेन कैसी बनती है, चेन ऐसे बनेगी,
लोकसभा, राज्यसभा, अगर राज्यसभा में हुआ है तो वो वापस लोकसभा में जाएगा। वो ये तो रहा इसका फर्स्ट स्टेप, ठीक है। सेकंड स्टेप में ये बिल कहाँ भेजा जाएगा, ये बिल भेजा जाएगा ऑल स्टेट्स, ऑल स्टेट्स। ये कौन सा स्टेप रहेगा, दिस इज सेकंड स्टेप। अब यहाँ से भी वो अगर पास हो जाता है, कितनी मेजॉरिटी से, हाफ मेजॉरिटी से अगर यहाँ से पास हो जाता है, तो फिर थर्ड स्टेप होगा कि वो बिल फिर भेजा जाएगा प्रेसिडेंट के पास। थर्ड स्टेप कौन सा है, प्रेसिडेंट के पास वो भेजा जाएगा। और प्रेसिडेंट भी जब उसको पास कर देता है तो स्पेशल मेजॉरिटी प्लस कंसेंट ऑफ हाफ स्टेट्स वाला, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने का जो बिल है, वो फाइनली पास माना जाएगा। जब तक प्रेसिडेंट उस पर साइन नहीं करता है तब तक वो बिल पास नहीं माना जाएगा। गॉट इट। फर्स्ट जो अपनी स्पेशल मेजॉरिटी थी उसमें तो क्या था, लोकसभा और राज्यसभा में प्रोसेस कंप्लीट हो गया, तो फिर डायरेक्टली आप भेज दो प्रेसिडेंट के पास। लेकिन ये वाले जिस प्रोसेस की हम लोग बात कर रहे हैं, जिसमें स्टेट्स की भी अप्रूवल चाहिए होती है, इसमें स्टेट्स को एक मीडिएटर बना दिया और बीच में स्टेट्स को ला दिया कि जब तक स्टेट्स अप्रूव नहीं करते तब तक वो प्रेसिडेंट के पास नहीं जाएगा। स्टूडेंट्स, ये तो थी आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की कुछ प्रोसेसेस। देयर आर सम क्वेश्चंस फ्रॉम माय साइड। पहले तो आप लोग मुझे बताएंगे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सिंपल मेजॉरिटी। सिंपल मेजॉरिटी का मीनिंग क्या है, फॉर्मूला बताना है आपको, बहुत सिंपल है, ठीक है। अनदर इज why we need to change our constitution, give any one reason। आपको सिर्फ एक रीज़न देना है जिसकी वजह से हमको कॉन्स्टिट्यूशन टाइम टू टाइम चेंज करना चाहिए। देर आर ओनली टू क्वेश्चन। हम लोग आगे बढ़ते हैं, चैप्टर को आज कंक्लूड करके रहेंगे हम लोग। स्टूडेंट्स, जो मैंने आपको सिलेबाय में दिखाया था ना, फिलासॉफी इन मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन तो हम लोगों ने पढ़ लिया है कि कॉन्स्टिट्यूशन कब बना, कैसे बना, कितने मेंबर्स ने साइन किए थे, वो पार्ट तो हमने कंप्लीट कर लिया। तो इस सिलेबाय का जो फर्स्ट चैप्टर का जो आपका सिलेबस है, कंटेंट है, उसमें और क्या लिख रखा था, फिलॉसफी, है ना। तो फिलॉसफी में क्या आएगा स्टूडेंट्स, ये है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल है। तो स्टूडेंट्स, बहुत ईजीली हम लोग ज़्यादा क्रिटिकल नहीं बनाएंगे अपने इस टॉपिक को, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बना के, आप बस इतनी सी बात याद रखो, जब भी क्वेश्चन आता है राइट अबाउट द फिलोसॉफिकल वैल्यूज़, ठीक है, राइट अबाउट द फिलोसॉफिकल वैल्यूज़ ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर फिलोसॉफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर आइडियोलॉजी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन कैसे भी घुमा फिरा के आ सकता है, लेकिन आंसर उसका एक रहेगा। क्वेश्चन कैसे आ सकता है, या तो वो आपसे फिलोसॉफिकल वैल्यू पूछेंगे, ठीक है, या फिर आपसे ओनली फिलॉसफी पूछा जाएगा, जस्ट फिलॉसफी, या फिर आपसे आइडियोलॉजी के बारे में भी पूछा जा सकता है, जस्ट आइडियोलॉजी इसके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन वेरी कर सकता है, उसका फॉर्म अलग हो सकता है, कुछ वर्ड्स अलग हो सकते हैं, लेकिन आंसर एक रहेगा। अब आंसर क्या रहेगा, आप स्टूडेंट्स ये जो प्रियम्बल है, उस प्रियम्बल के जो बोल्ड वर्ड्स है ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया, फिर यहाँ पे बोल्ड आ रहा है सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, फिर जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, फिर बाद में देखो इन आर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, ये जो भी आपको बड़े बड़े बोल्ड वर्ड्स दिख रहे हैं, ऑल दीज बोल्ड वर्ड्स आर द फिलोसॉफिकल वैल्यू, द फिलॉसफी और द आइडियोलॉजी ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो भी बड़े बड़े शब्द आपको दिख रहे हैं, ये सारे के सारे किस में आएंगे, हमारी फिलॉसफिकल वैल्यूज़ में, या फिर आप उसको फिलॉसफी कहो, या फिर आप उसको आइडियोलॉजी कहो, आप कहो चाहे जो भी उसको, लेकिन उसके आंसर में क्या आएंगे, उसके आंसर में आएंगे ये सारे पॉइंट्स। ये 5-6 पॉइंट्स अगर आप याद कर लेते हैं तो आपका एक बहुत अच्छा आंसर प्रिपेयर हो सकता है। नाउ स्टूडेंट्स, वी विल डिस्कस ऑल दीज बोल्ड पॉइंट्स, जो बोल्ड पॉइंट्स ना बड़े बड़े दे रखे हैं ये सारे, हम इन सबको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। अब डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट क्या है,
वी द पीपल ऑफ इंडिया। अब ये क्या है, ये फिलोसॉफिकल वैल्यू है, ठीक है। अब फिलोसॉफिकल वैल्यू क्या होती है वो आपको मैं वन वर्ड में बता दूँ, आगे अपन फिर इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। फिलोसॉफिकल वैल्यू का मतलब होता है कि कोई काम करने के पीछे आपके इंटेंशन क्या हैं, ठीक है। काम तो स्टूडेंट्स फिलोसॉफिकल वैल्यूज़ में क्या आएंगे, फिलोसॉफिकल वैल्यूज़ में आपके आएंगे इंटेंशंस पहला, और दूसरी चीज़ है ऑब्जेक्टिव्स। इंटेंशन एंड ऑब्जेक्टिव ये दोनों कहलाएंगे मिलकर फिलोसॉफिकल वैल्यू। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का इंटेंशन क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था, वही होगी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की फिलोसॉफिकल वैल्यू। मान लो आपसे पूछा जाए व्हाट आर द फिलोसॉफिकल वैल्यूज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होंगे। ऑब्जेक्टिव्स तो हमारे ऑब्जेक्टिव क्या थे, हमारा ऑब्जेक्टिव तो था जस्टिस मेंटेन करना, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये एस्टैब्लिश करना। तो ये चीज़ें क्या हो गई, ये एक तरह से ऑब्जेक्टिव तो है ही, लेकिन पॉलिटिकल साइंस की लैंग्वेज में हम इनको कहेंगे फिलोसॉफिकल वैल्यू, ठीक है, ये पॉलिटिकल साइंस की लैंग्वेज, जबकि कॉमन लैंग्वेज में हम उसको कहेंगे ऑब्जेक्टिव्स। नाउ स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट फर्स्ट फिलोसॉफिकल वैल्यू ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच इज़ वी द पीपल ऑफ इंडिया। अब वी द पीपल ऑफ इंडिया इसका मतलब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन की या फिर कंट्री की जो पावर है, हमारे कंट्री की जो पावर है वो किसके पास रहेगी, वी द पीपल ऑफ इंडिया, पहली बात है ना, सुप्रीम पावर किसके पास रहेगी, वी द पीपल ऑफ इंडिया के पास। नरेंद्र मोदी जी अपने आप को कितना ही पावरफुल क्यों ना समझें, लेकिन ईच फाइव ईयर्स में नरेंद्र मोदी जी को वापस इलेक्शन कंटेस्ट करना पड़ेगा और चुनाव मांगने वापस किसके पास आना पड़ेगा, वी द पीपल ऑफ इंडिया के पास, हम जनता के पास नरेंद्र मोदी जी को आना पड़ेगा कि मुझे वोट दो। तो आज मोदी जी पावरफुल हैं, क्यों हैं, क्योंकि हमने मोदी जी को पावर दी इसलिए वो पावरफुल हैं। हम मोदी जी की जगह राहुल गांधी को वोट दे देते तो राहुल गांधी पावरफुल बन जाता, हम मोदी जी की जगह अगर अमित शाह कंटेस्ट करते इलेक्शन, हम उनको वोट दे देते तो किसके पास जाती पावर, अमित शाह के पास जाती। तो एक्चुअल में पावरफुल है कौन, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया क्या बताता है, द फर्स्ट पॉइंट विच इज़ वी द पीपल ऑफ इंडिया इंडिकेट फॉलोइंग थिंग्स, कौन कौन सी बातों को बताता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, दैट इंडियन सिविलियंस, इंडियन सिटीजन्स आर सुप्रीम पावरफुल, इंडिया के जो सिटीजन्स हैं वो सुप्रीम पावरफुल हैं, ठीक है। सेकेंड पॉइंट इसमें ये ऐड होगा दैट कॉन्स्टिट्यूशन इज मेड बाय वी द पीपल ऑफ इंडिया। अब कॉन्स्टिट्यूशन भी किसने बनाया है, वी द पीपल ऑफ इंडिया ने ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। इसमें आप दो पॉइंट्स लिख देंगे, आपका फर्स्ट जो ये फिलोसॉफिकल वैल्यू है जिसको हम लोग कॉमन लैंग्वेज में ऑब्जेक्टिव कहते हैं वो एक्सप्लेन कर रहा है। सेकेंड पॉइंट आपका लेते हैं हम लोग सॉवरन, SOVERE IGN, जी इसमें साइलेंट रहता है, स्पेलिंग में आएगा लेकिन आपको बोलना नहीं है, प्रोनंसिएशन इसका रहेगा सॉवरन, सॉवरन, ठीक है। अब सॉवरेनिटी क्या होता है, सॉवरेनिटी अगर वन वर्ड में आपसे पूछा जाए, वन वर्ड का क्वेश्चन आ जाए, MCQ आ जाए, तो सॉवरेनिटी मीन्स सुप्रीम पावर, सॉवरेनिटी मीन्स सुप्रीम पावर, सुप्रीम पावर। अब सुप्रीम पावर का मतलब आप देखो क्या होता है, तो सुप्रीम पावर का मतलब तो ये होता है ना कि जो सबसे ज़्यादा पावरफुल हो और जो किसी की बात माने नहीं माने उसकी मर्जी, लेकिन अपनी बात सबसे मनवा लेता है, उसको अपन क्या कहेंगे, सॉवरन। सॉवरेनिटी मींस सुप्रीम पावर, सबसे ज़्यादा पावरफुल बंदा जो है, जो किसी की बात नहीं मानता लेकिन सबसे अपनी बात मनवा ले, तो उसको अपन क्या कहेंगे, सॉवरन। जस्ट एन एग्जाम्पल, आपने कई बार न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, न्यूज़ चैनल पे सुना देखा होगा, किम जोंग उन, नॉर्थ कोरिया है ना, नदर्न कोरिया, लोकेशन कभी आपको रिक्वायरमेंट होगी तो वो भी बता दूंगी, लेकिन यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है इसलिए हम लोग टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं।
जो नॉर्थ कोरिया, जो नॉर्दर्न कोरिया है ना, उसके रूलर हैं। रूलर कौन है? किम जोंग उन। ठीक है, तो किम जोंग उन जो हैं, किम जोंग उन, तो के जी यू, किम जोंग उन। किम जोंग उन नॉर्थ कोरिया के डिक्टेटर हैं। और नॉर्थ कोरिया की सुप्रीम पावर किसके पास है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या, कब, क्यों और कैसे, ये सारे डिसीजंस कौन लेते हैं? किम जोंग उन। तो किम जोंग उन क्योंकि सब डिसीजंस लेते हैं, और क्या, क्यों, कब और कैसे करना है, ये डिसाइड करने वाले भी किम जोंग उन हैं। इसके अलावा देखो, सॉवरेनिटी में दो तीन चीज़ें आती हैं। सबसे पहली तो डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग किसके पास है? पहली बात, डिसीजन कौन लेगा? अगर डिसीजन लेने वाले के पास डिसीजन लेने की फुल फ्लेज्ड पावर होती है, तो अपन उसको कहेंगे कि वो तो सॉवरेन है। पहला पॉइंट सॉवरेनिटी में। सेकंड पॉइंट ये आता है दैट द सॉवरेन पर्सन इज नॉट ऑब्लाइज्ड टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस व्हिच आर गिवन बाय एनीवन। इसका मतलब ये है कि सॉवरेन पर्सन जो है वो डिसीजन मेकिंग की पावर तो रखता है, लेकिन वो किसी की भी बात मानने के लिए ऑब्लाइज्ड नहीं है कि आप सॉवरेन पर्सन को कहो कि सॉवरेन पर्सन आप मेरी ये बात मानो। वो माने नहीं माने उसकी मर्जी, लेकिन सॉवरेन पर्सन ने जब कोई डिसीजन दिया तो आपको मानना पड़ेगा। हाइपोथेटिकली यहाँ पे हम लोग हाइपोथेटिकली हमारे प्रिंसिपल मैम को सॉवरेन पर्सन मान रहे हैं। ठीक है, हाइपोथेटिकली वी आर टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ आवर प्रिंसिपल मैम, इवन दो शी इज नॉट अ सॉवरेन, वो सॉवरेन नहीं है, लेकिन हाइपोथेटिकली हम उनका एग्जांपल ले रहे हैं। पहला, सॉवरेनिटी में क्या चीज़ होती है? डिसीजन मेकिंग पावर। तो हमारे प्रिंसिपल मैम तो पूरा डिसीजन ले सकते हैं कि आपका टाइम चेंज करना है, नहीं करना है, ये सारा डिसीजन कौन लेते हैं? प्रिंसिपल मैम। सेकेंड पॉइंट कि वो आपकी बात, हमने कहा था ना सेकेंड पॉइंट दैट ही और शी इज़ नॉट ऑब्लाइज्ड टू फॉलो एनीवन्स इंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे हमारे प्रिंसिपल मैम भी आपके, आपने जो भी डिमांड्स रखी हैं उन सबको फॉलो करने और नहीं करने के लिए ऑब्लाइज्ड नहीं हैं। नाउ स्टूडेंट्स, द सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉवरेन पर्सन ये क्या है कि वो किसी के भी ऑर्डर को मानने नहीं मानने के लिए ऑब्लाइज्ड नहीं है। हम लोगों ने प्रिंसिपल मैम का एग्जांपल रखा। अब देखो, आपने प्रिंसिपल मैम के सामने कोई डिमांड रखी कि आज आपको जल्दी डिपार्चर चाहिए, तो वो सॉवरेन मतलब प्रिंसिपल मैम के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो आपकी बात माने या नहीं माने। शी इज़ नॉट ऑब्लाइज्ड टू एक्सेप्ट योर डिमांड, टू फुलफिल योर डिमांड। वो आपकी बात माने नहीं माने, शी इज़ कम्प्लीटली फ्री एंड इंडिपेंडेंट। आज़ादी उनको कि वो आपकी, आपको जल्दी छुट्टी दें या नहीं दें। लेकिन जब सॉवरेन खुद कोई ऑर्डर निकालता है ना आप लोगों के ऊपर, तो वो आप लोगों के लिए मैंडेटरी होगा, आपको मानना पड़ेगा। सॉवरेन ने कहा कि संडे की भी एक्स्ट्रा क्लास है और आपको आना है, मतलब आपको आना है। आ रहा है डिफरेंस समझ में? डिफरेंस ये है कि सॉवरेन की दो कैरेक्टरिस्टिक हैं। पहली तो सॉवरेन के पास डिसीजन मेकिंग पावर होगी, और सेकंड पॉइंट ये है कि सॉवरेन जो है अपने डिसीजंस को फॉलो करवाने की पावर भी रखता है। ठीक है, फॉलोइंग पावर भी वो रखता है। और यहाँ पे फॉलोइंग पावर में हम लोगों ने देखा टू पॉइंट्स हैं। वो खुद किसी के ऑर्डर को फॉलो नहीं करेगा, लेकिन बाकी सबसे अपने ऑर्डर्स को फॉलो करवा लेगा। सेम आई थिंक इम्प्लीमेंट विद आवर प्रिंसिपल मैम, वो खुद किसी के ऑर्डर को मानने नहीं मानने के लिए कम्प्लीटली फ्री हैं। ठीक है, ऑर्डर इन द सेंस किसी की डिमांड को मानने नहीं मानने के लिए कम्प्लीटली फ्री हैं। आपने कहा कि मैम आज हमको पिकनिक पे जाना है, मैम इज़ फ्री कि वो आपकी बात को मानती हैं नहीं मानती हैं, शी इज़ कम्प्लीटली फ्री। लेकिन क्योंकि मैम सॉवरेन है ना, इसलिए वो खुद की बात आपसे मनवा लेंगी, है ना। उन्होंने कहा कि आज आप कहीं नहीं जाएंगे, आज आप हाफ एन आवर ज़्यादा रुकेंगे यहाँ पर, या फिर स्कूल टाइमिंग चेंज हो रहा है। ये सारी डिमांड्स जो बातें वो रखती हैं, जो ऑर्डर वो रखती हैं, वो आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। दिस इज़ मैंडेटरी फॉर यू। तो ये है सॉवरेनिटी।
और ये सॉवरेनिटी किस में है? हमारे कंट्री में, कॉन्स्टिट्यूशन में, वी द पीपल ऑफ इंडिया के पास, हमारे पास ही तो ये सॉवरेनिटी है कि हमारे पास डिसीजन मेकिंग पावर है कि हम चाहें तो मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर बनाएं, हम चाहें तो राहुल गांधी को बनाएं और हम चाहें तो केजरीवाल को बनाएं, हमारी मर्जी। ये डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास है? हमारे पास। सेकंड पॉइंट, हम अपने ऑर्डर सबसे फॉलो करवाने के लिए भी हम लोग सॉवरन हैं। ठीक है, कैसे सॉवरन हैं? अगर मान लो मोदी जी कहते हैं कि मैं बुरे दिन लाऊंगा, गंदे दिन लाऊंगा या फिर महंगाई बढ़ाऊंगा, तो उनको वोट ही नहीं देंगे, है ना। हम लोग अगर मोदी जी अपनी जो भी पॉलिसीज हमारे सामने रखते हैं तो हम उसको वोट करेंगे ही नहीं। तो फाइनली हमारी जो भी डिमांड्स हैं, गरीबी घटाओ, हमारी डिमांड क्या है? गरीबी घटाओ। सामने वाला कह रहा है मैं गरीबी नहीं घटाऊंगा, तो हम उसी को हटा देंगे, है ना। ये रहती है कि डिसीजन को फॉलो करवाने की पावर भी हमारे पास है। नेक्स्ट पॉइंट इज सोशलिस्ट। अब सोशलिस्ट, आपने कई बार ये वर्ड पढ़ा होगा सोशलिस्ट, मैं सिंगल लाइनर मीनिंग इसका बता रही हूँ। सोशलिस्ट मीनिंग इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, मीनिंग आप लिख लेंगे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। ये क्या होगा? ये इसका मतलब है कि वहाँ पे सोशलिज्म है। सोशलिज्म और सोशलिस्ट मीन्स इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। और हमारी कंट्री में भी क्या होगा? हमारी कंट्री में भी रिसोर्सेज का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट अगर कुछ पॉलिसी बनाती हैं तो वो सब पर इक्वली इम्प्लीमेंट होगी, पहली बात, ठीक है। और दूसरा, गवर्नमेंट के पास जो भी रिसोर्सेज हैं, मान लो गवर्नमेंट के पास 10 crore 1000 rupees हैं, तो गवर्नमेंट क्या करेगी उनका? गवर्नमेंट उनका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करेगी। सोशलिस्ट स्टूडेंट्स, एक ऐसी बात है, एक ऐसा टॉपिक है जिसको लेकर 2 घंटे का लेक्चर भी हो सकता है। हम इतना दूरी पर नहीं जाएंगे, इतनी डेप्थ में नहीं जाएंगे। आपने अगर लिख दिया है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज बाय द गवर्नमेंट मीन्स सोशलिज्म, इनफ है, एक लाइन का उत्तर है, ज़्यादा आपको ध्यान भी इस पर नहीं देना है। लेटर ऑन सोशोलॉजी में भी सोशलिज्म आएगा, हम तब उसको और ज़्यादा डेप्थ में देखेंगे। नेक्स्ट इज सेक्युलर। सेक्युलर का मतलब होता है, सेक्युलर के 2 or 3 मीनिंग होते हैं। फर्स्ट मीनिंग ऑफ सेक्युलर इज देयर विल बी नो रिलीजन ऑफ गवर्नमेंट, सरकार का अपना कोई रिलीजन नहीं होगा, पहली बात। सेकेंड पॉइंट इज नो डिफरेंसेस और डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। देर आर 2 points। फर्स्ट पॉइंट इज देर विल बी नो रिलीजन ऑफ गवर्नमेंट। सेकेंड पॉइंट इसका क्या रहेगा? नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। इसका मतलब आप यूँ समझें कि सरकार का अपना कोई धर्म नहीं होगा। जैसे आप अगर मालदीव्स जाते हैं, आप सऊदी अरेबिया जाते हैं, तो यहाँ क्या होता है? सरकार का अपना एक धर्म होता है, रिलीजन होता है, और आपको उसको फॉलो करना होता है। मतलब कि सरकार जो भी कुछ करती है ना, अपने धर्म के लिए ही करेगी और धर्मों के लिए नहीं करेगी। सऊदी अरेबिया में सरकार का जो रिलीजन है दैट इज़ इस्लाम। मतलब सरकार अगर किस रिलीजन पर पैसा खर्च करना चाहती है तो सरकार ओनली इस्लाम पर पैसा स्पेंड करेगी, वो हिंदुइज्म पर, सिखिज्म पर, क्रिश्चियनिटी पर, इन पर अपना पैसा खर्च नहीं करेगी। ये चीज़ होती है आपकी सेकुलरिज्म, सॉरी नॉन सेकुलरिज्म, ठीक है। जो ये चीज़ होती है ना जिसमें सरकार का अपना एक धर्म होता है, इसको अपन क्या कहेंगे? जिसमें सरकार का अपना धर्म होता है, दिस थिंग इज़ नोन एज नॉन सेकुलरिज्म। और इसको कम्युनलिज्म भी कहा जाता है, जिसमें सरकार एक धर्म के जो फॉलोअर्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करती है, उनकी बातें मानती हैं, उनकी डिमांड्स को फुलफ़िल करती हैं, और बाकी धर्मों वाले जो लोग होते हैं उनकी बात नहीं मानी जाती है, उनकी मांगे नहीं मानी जाती हैं। हाइपोथेटिकली अगर इंडिया एक सेकुलर कंट्री नहीं होता, हाइपोथेटिकली इंडिया एक सेकुलर कंट्री नहीं होता, तो इसका रिजल्ट क्या हो सकता था? इसका रिजल्ट ही होता कि हमारे यहाँ पर हिंदू कम्युनिटी जो है
उसकी तो सारी मांगे मानी जाती, उसकी सारी बातें मानी जाती। हर जगह आपको गवर्नमेंट में देखो तो हिंदू दिखेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन में देखो, सरकारी नौकरियों में तो आपको हिंदू दिखेंगे, हर जगह आपको हिंदू हिंदू दिखेंगे, ठीक है। जबकि माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ जो हैं वो आपको यहाँ पे नहीं दिखती। माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ भी हमारे यहाँ पे बहुत हैं, जैन हैं, सिख हैं, बुद्धिस्ट हैं, क्रिश्चियंस हैं, ज्यूइश हैं, इसके अलावा पारसी हैं, और मुस्लिम भी माइनॉरिटी कम्युनिटी में हैं, तो वो आपको नहीं दिखते। तो ऐसे तो क्या होता कि हमारी कंट्री में क्लैश हो सकते थे, लड़ाइयाँ हो सकती थी। इस वजह से हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे उन्होंने कहा नहीं, इंडिया को तो सेक्युलर बनाना है। सेक्युलर बनाने का मतलब है नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, और देर विल बी नो रिलीजन ऑफ स्टेट्स, ठीक है। आगे हम लोग बढ़े, डेमोक्रेसी का मतलब आपको मालूम ही है, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। रिपब्लिक पे हम लोग आते हैं, रिपब्लिक का मतलब है कि हमारे कंट्री का जो सुप्रीम ऑफिशियल होगा, पर्सन होगा, सबसे बड़ा इंसान हमारी कंट्री में अगर कोई होगा, इंसान इन द सेंस ऑफ हाइट मत समझें, हमारी कंट्री का सुप्रीम ऑफिशियल माने, अधिकारी माने, तो वो जो होगा ही और शी विल बी इलेक्टेड। तो हमारी कंट्री के जो सुप्रीम लीडर होंगे ना, वो सुप्रीम लीडर क्या होंगे, इलेक्टेड होंगे, तो उसको आप कहेंगे रिपब्लिक, ठीक है। जबकि अगर वो इलेक्टेड नहीं होते हैं, राजा का बेटा राजा बनता है, तो उसको आप क्या कहेंगे, वो कहलाएगी मोनार्की, CHY, मोनार्ची नहीं होता, मोनार्की होता है, ठीक है। तो जहाँ राजा का बेटा राजा बनता है और सुप्रीम लीडर को चुनने के लिए कोई चुनाव नहीं होते, इलेक्शन नहीं होते, तो वो सिस्टम मोनार्की कहलाता है। लेकिन अगर कंट्री का सुप्रीम पर्सन सेलेक्ट करने के लिए इलेक्शन होते हैं, तो वो कंट्री कहलाएगा रिपब्लिक, ठीक है। अब इंडिया के सुप्रीम पर्सन कौन है, इंडिया के सुप्रीम पर्सन है POI, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सेलेक्ट करने के लिए क्या होते हैं हमारी कंट्री में, इलेक्शन होते हैं, और क्योंकि इलेक्शन होते हैं इस वजह से इंडिया क्या कहा जाएगा, रिपब्लिक, ठीक है। अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो हैं POI, ये सिलेक्ट करने के लिए कोई इलेक्शन नहीं होते, बल्कि प्रेसिडेंट के जो सन और डॉटर हैं, ठीक है, उन्हीं को ही अगर सिलेक्ट कर लिया जाता, तो हमारा कंट्री क्या कहलाता, मोनार्की। लेकिन हमारे यहाँ पे क्योंकि इलेक्शन होते हैं, इस वजह से हमारा कंट्री क्या कहलाता है, रिपब्लिक। जस्टिस का मतलब आपको मालूम ही है, जस्टिस के बहुत सारे मीनिंग होते हैं, हम उस पर लेटर ऑन बात करेंगे, आपका एक चैप्टर है सोशल जस्टिस, उसमें। फिलहाल हम लोग बात कर रहे हैं कि यहाँ पे सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस होगा। ब्रीफली जस्टिस मीन्स इनइक्वल बिहेवियर विथ द इनइक्वल्स, जो इनइक्वल है ना उनके साथ इनइक्वल बिहेव करना ही जस्टिस कहलाता है। अब आप कहेंगे जस्टिस में तो इक्वालिटी आती है, अभी इनइक्वालिटी की बात मैं कैसे करने लग गई, है ना। तो एक मैं ब्लैंक स्लाइड लेके आपको जस्टिस का मीनिंग बताऊं, फिर हम लोग बात करेंगे सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस की। रिजर्वेशन पढ़ा सुना होगा इसके बारे में, कई लोग मना करते होंगे रिजर्वेशन नहीं है, तो इस टॉपिक जस्टिस को अगर आप अच्छे से समझ लें तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि रिजर्वेशन की फिलॉसफी आखिर है क्या। अब स्टूडेंट्स आप देखें, हाइपोथेटिकली दिस इज यू, है ना, और आप बड़े जस्ट पर्सन हैं, बड़े न्यायवादी हैं, आप हरिश्चंद्र हैं, ऐसा माने अपने आप को। अब तराजू देखा ना, ऐसा आपको जस्टिस करना है, आपको जस्टिस करना है, और जस्टिस क्या कहता है, जस्टिस तो कहता है इक्वालिटी एस्टैब्लिश करो, जस्टिस कहता है ना इक्वालिटी, ऑल आर इक्वल, तो जस्टिस इक्वालिटी की बात करता है। अब आप ए हो, ठीक है, और आपके पास अगर 20 रुपीज़ हैं, आपके पास कितने हैं, 20 रुपीज़ हैं, अब आपको जस्टिस करके इस 1 और 2 में अपने 20 रुपीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करना है,
आपको न्याय करना है और जो 20 रुपये आपके पास हैं उस 20 रुपये को आपको 1 और 2 दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब अपन हाइपोथेटिकली मान के चलें कि इसके पास ऑलरेडी 40 रुपीज़ हैं और इसके पास 20 रुपीज़ हैं। अब अगर आप दोनों को इक्वल देते हैं भी 10 रुपये इसको दे दिए 10 रुपये इसको दे दिए तो ये तो इक्वालिटी बनी रहेगी भाई, इसके पास 50 रुपये हो गए उसके पास 30 रुपीज़ होंगे, ये तो इनइक्वालिटी मेंटेन कर रहा है। इस वजह से आपके लिए जस्टिस क्या होगा, आपके लिए जस्टिस होगा कि आप पूरे के पूरे 20 रुपये किसको दे दें, नंबर 2 को, ताकि 20 + 20 = 40 हो जाए और ये नंबर 2 जो है वो भी नंबर 1 के कंपटीशन में आ जाए। तो फिर क्या होगा कि पहले जो सिचुएशन, ठीक है, बिफोर जस्टिस जो सिचुएशन ये थी वो आफ्टर जस्टिस वो सिचुएशन क्या हो जाएगी, इक्वल। तो जस्टिस तो ये कहलाएगा ना जिसमें इक्वालिटी एस्टैब्लिश हो रही है। अब बड़े दुख की बात ये है कि कई बार जो ये इक्वालिटी है ना वो इनइक्वल बिहेवियर से एस्टैब्लिश होती है ना। इनइक्वल बिहेव किया ना हमने, यहाँ पे मेरे पास 20 रुपये थे और मैंने पूरे के पूरे इसी को दे दिए तो इसके साथ तो इनइक्वल बिहेव हुआ, मैंने इसको दिया ही नहीं। लेकिन ये इनइक्वालिटी ज़रूरी है टू एस्टैब्लिश जस्टिस। अभी हम इसको यहीं ख़त्म कर रहे हैं, सोशल जस्टिस जब चैप्टर आएगा तब इन डिटेल डिस्कस करेंगे। अब ऐसे जस्टिस के टाइप्स कितने हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कितने टाइप ऑफ जस्टिस की बात करता है। आर कॉन्स्टिट्यूशन टॉक अबाउट द 3 types ऑफ जस्टिस विच इज सोशो, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। सोशल जस्टिस एस्टैब्लिश करना है, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। सोशो जस्टिस में क्या है, सोशल जस्टिस में इसका मतलब ये है कि जिसके पास पहले मान सम्मान नहीं दिया जाता था, है ना, जो शूद्र कम्युनिटी थी ना हमारी यहाँ की, जो हरिजन्स थे उनको रिस्पेक्ट नहीं दी जाती थी, तो अब का उनको मोर रिस्पेक्ट देंगे, सोशल जस्टिस। इकोनॉमिक जस्टिस, जिसके पास पैसा नहीं है उसको पैसा दो, ठीक है। मोदी जी भी क्या कर रहे हैं, आपको मालूम होगा किसी के बैंक अकाउंट में 1500 आ रहे हैं, किसी के 500 आ रहे हैं, तो मोदी जी जस्टिस कर रहे हैं इकोनॉमिक जस्टिस की, जिसके पास पैसा नहीं है उसको पैसा दो। रामपाल सोनी को 500 रुपये दे के मोदी जी क्या हासिल कर लेंगे, कुछ नहीं करेंगे। पॉलिटिकल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब है कि जिसको रिप्रेजेंटेशन, जिसके कोई नेता वेता नहीं है हमारी असेंबलीज में, उनको रिजर्वेशन दो और उनको उनके लिए पॉलिटिकल जस्टिस एस्टैब्लिश करो। लेडीज़ का रिप्रेजेंटेशन नहीं है ना हमारी असेंबलीज़ में, हमारी गवर्नमेंट में, ठीक है, लेडीज़ को भी जस्टिस प्रोवाइड करो। नेक्स्ट वैल्यू इज़ लिबर्टी। लिबर्टी, आज़ादी, आपको मालूम है लिबर्टी किसकी, सोचने की, थॉट्स की, अपनी बात को कहने की और किसी भी धर्म को फॉलो करने की लिबर्टी आपके पास है। नाउ इक्वालिटी, इक्वालिटी किस चीज़ की, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। आप अगर किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके पास पूरी की पूरी अपॉर्चुनिटी रहेगी कि आप उसके लिए वर्क करें, एग्ज़ाम दें, और अगर आप कंपटीशन पास कर जाते हैं तो आपको वो जॉब मिले। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, पहले क्या होते थे, पहले कोई बड़ा होता था कोई छोटा होता था, है ना। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, स्टेटस का मतलब तो समझते ही हैं आप सभी, पहले कोई अपर कास्ट होती थी कोई लोअर कास्ट होती थी, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने अपर और लोअर का पूरा कॉन्सेप्ट ही ख़त्म कर दिया। कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, एक ब्राह्मण का जितना सम्मान है एक स्वीपर क्लास का भी उतना ही सम्मान होगा, ठीक है। ब्राह्मण जितना सम्मानित व्यक्ति हैं उतना ही सम्मान किसको देगा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, एक स्वीपर को देगा। नेक्स्ट इज फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का मतलब भाईचारा, ठीक है, भाईचारा होगा हम सबके बीच में, हम लोग लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं, और ये भाईचारा जो है हमारी कंट्री की यूनिटी को बढ़ाएगा, हमारी एकता को बढ़ाएगा, हम सब भाई भाई, ठीक है। आप लोग तो अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज जो प्लच कहते हैं उसमें भी कहते हैं ना ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, तो ये क्या है, भाईचारा है, भाई भाई, ठीक है। और ये क्या एस्टैब्लिश करेगा भाईचारा, यूनिटी। और फाइनली बता रखा है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब इम्प्लीमेंट हुआ। सो स्टूडेंट्स, फाइनली वी आर गोइंग टू कंक्लूड दिस चैप्टर। चैप्टर आज फाइनली ख़त्म हो चुका है।
अगर आपको कोई डाउट है, क्वेरी, प्रॉब्लम कुछ भी है तो आप मुझसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करते रहो, हेल्दी फूड लो, जंक फूड कंज्यूम मत करो, इंडोर रहो, बाहर तभी जाओ जब कुछ काम हो, और बाहर जाते हो तो 2 गज की दूरी बहुत ज़रूरी, मास्क वगैरह लगा के जाओ, थोड़ी लाइफ की अपनी केयर करो। ये लाइफ आपकी नहीं बल्कि आपके पेरेंट्स की भी है, तो सबकी जान बचानी है आपको। खुद की जान बचाओ तो सबकी जान बचाओगे। गैजेट्स से दूरी बना के रखो, और जो भी हम लोग असाइनमेंट सेंड कर रहे हैं आप उसको वर्क कर कंप्लीट करके रखें। टिल देन कीप लर्निंग। दिस इज मी रजनी गगवानी साइनिंग ऑफ।